मेरा मिर्ची का अचार बिल्कुल एकदम, आज कल बनाया था ना, मैंने बताया था कि एक दिन बाद इतना बढ़िया हो जाएगा, ये जूसी जूसी एकदम से। ये लग रहा बस फांके उठा खा लो। मैंने खाया आज, पतिदेव भी खाए, बहुत खुश हुए, बहुत टेस्टी लगा ये। तो इस तरीके से बनाइएगा सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में, तो देखना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, अपना प्यार दुलार देना ना भूले। और कैसे हैं आप सभी, तो राम राम प्रणाम। मैं स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में देखिए क्या है, आज हरी हरी मिर्ची का नंबर एक का अचार बना है, इतना टेस्टी आ रहा है। बनाए हैं एक दिन पहले और इसका स्टार्टअप आज बना रहे हैं, और चूँकि टेस्ट की कर लेंगे तभी तो बताएंगे कैसा बना कैसा नहीं। तो चलिए देखिए मेरे मिर्ची के अचार का टेस्ट लीजिए, बहुत ही प्यारा टेस्टी बना है। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपना प्यार दुलार जरूर दीजिएगा। तो राम राम प्रणाम। आज हम बनाएंगे हरे वाले मिर्चे का अचार, तो हम अपने तरीके से कैसे बनाते हैं वो चीज़ बताएंगे। देखिए ये डंडी अलग कर देंगे मिर्चे से, और जो मिर्चा अच्छा है उन्हीं मिर्चे को लेंगे, जो मिर्चा ख़राब है उनको नहीं लेंगे, क्योंकि ख़राब मिर्चा अचार ख़राब करते हैं। ऐसे डंडी तोड़ के पूरा मिर्चा हमने ऐसे कर लिया, अब इसको हम धुल लेंगे, अच्छे से धुल के पानी इसका सुखा लेंगे, फिर आगे चलिए बताते हैं कैसे क्या बनाना है। फिर दोस्तों सारे मिर्चे को हमने काट लिया ऐसे ऐसे आधा आधा टुकड़ा कर करके इसी साइज में सब काट लिया है। काटने के बाद अब इसमें हमको ये सरसों पीसना है, लाल काला पीला था थोड़ा, हमने मिक्स करके रख दिया था तो इसी को पीसेंगे। तो इसमें हम डाल देंगे ये पीसी हुई अपनी सरसों डाल देंगे, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये हल्दी, बहुत टेस्टी होता है। थोड़ा मिर्चा हमारा कम तीखा था तो इसलिए और भी अच्छा बनेगा। अब इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद के हिसाब से, इतना भी नहीं ज़्यादा डाल देंगे कि पता चला एकदम हालत ख़राब हो जाए। और ये मसाला दोस्तों जो हम आम का अचार और आम का छिकुला बनाए थे, सौंफ, मेथी, जीरा, मंगरेल, धनिया, लाल मिर्च जो भून के सबको हमने बनाया था, ये वही है। थोड़ा सा इसको भी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा डालेंगे। और इसके बाद अब क्या क्या डालेंगे अभी बताते हैं हम आपको। और इसके बाद ये इसमें खूब बड़ा सा नींबू है, देखिए खूब रस दे रहा है, इस नींबू को डालेंगे बढ़िया से निचोड़ के, पूरा एक खड़ा नींबू डाल देंगे। और इसके बाद में अब इसमें डालेंगे ये विनेगर सिरका, इसे भी पर्याप्त मात्रा में डालेंगे अच्छे से। अब इसके बाद और क्या डालेंगे अभी बता रहे हैं, इसके बाद इसको खूब अच्छे से मिला लेंगे, फिर बताते हैं कि अब दूसरा चीज़ क्या डालेंगे। जो भी डालेंगे फटाफट तुरंत तुरंत डालेंगे, ये नहीं कि एक दिन इधर डालना है एक दिन उधर डालना है, ये करना है वो करना, कुछ नहीं, झाम तम वाला हम काम करते नहीं ज़्यादा, बस ऐसे ही कर देंगे। मेरे मिर्चा हमने काट दिया है पूरा, मेरे हाथ में जलन हो रही है बहुत तेज। अब ये कल तक गल जाएगा और इतना टेस्टी ये लगता है, ये चावल दाल रोटी पूड़ी पराठा किसी के साथ भी खाइए। अब इसमें क्या डालना है मुझे, ये लगे हाथ तेल सरसों का, कच्चा तेल डालने से ही सोखियत आती है। अभी इसको हम गर्मा के अगर डाल देते तो इसमें सोखियत ना आती, जो खाने में टेस्ट आता है वो ना आता। तो मेरे सारे भगोने स्टील वगैरह के बीजे थे, तो हमने कहा लाल लोहे करहिया बना लेते हैं, फिर इसी में हम सब्जी भी बना लेंगे। अब इसको बस कुछ नहीं ऐसे बंद करके रख देना, कल से ये खाने लायक हो जाएगा, वैसे खाने को आप अभी खा सकते हैं। अब ये साफ सुथरे डिब्बे में भर के रख देंगे। सारा भर के ये जितना आइटम है सब आइटम फिर से वापस इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि इसमें नमक भी है, तेल भी है, नींबू भी है, सिरका भी है, मसाला भी है। तो दोस्तों बहुत आसान तरीके से मिर्चे का अचार है और बहुत टेस्टी लगेगा, टेस्ट करके कभी हम बताएंगे किसी वीडियो में। तो देखिए बनाइएगा ये अचार। मुझे बहुत छोटी मैं थी, क्लास फोर्थ में थी, तब मेरे पापा ने बनाया था, बस मेरे पापा ने मसाला नहीं डाला था, नींबू के केवल नींबू और मिर्चस बनाया था, तो मुझे वो टेस्ट आज भी याद था।
तो कभी मैंने बनाया नहीं था, पर इस बार मेरा मन हुआ बनाए, क्योंकि नींबू और अचार, नींबू अदरक और हरी मिर्च के सब तो बनाते ही रहते हैं अचार सादा, पर इस बार थोड़ा सा मसाला डालने का मन हुआ तो हम कल आओ बनाते हैं। तो राम राम प्रणाम दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम वीडियो बनाते हैं, आपके प्यार के बदौलत हम यहाँ टिके हुए हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का।